अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। आज की वीडियो शॉपिंग हॉल वीडियो है और छोटी सी वीडियो करने की कोशिश करूँगी मैं। जल्दी जल्दी चीज़ें जो भी शॉपिंग है मेरी, वो मेरी गॉड जो भी मेरी शॉपिंग है वो जल्दी जल्दी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। और किस तरह की वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती हैं, शॉपिंग हॉल वॉक थ्रू वीडियो, वीडियोस विद प्राइजेस, मैं वॉक थ्रू वीडियोस भी करती हूँ डिफरेंट स्टोर्स में जाकर, उनकी चीज़ें जो भी स्टोर्स में होती हैं डिस्प्ले पे वो दिखाती हूँ और उनकी प्राइजेस भी दिखाती हूँ, बताती हूँ। अगर आप लोगों को उस तरह की वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। वो वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे, मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर फोल्डर होगा वॉक थ्रू वीडियोस के नाम से। उस फोल्डर में जाएंगे तो आपको इस तरह की वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलें ज़्यादा बात के बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा गॉड, इस बैग के अंदर है। आज की शॉपिंग भी यूनाइटेड डिस्काउंट सेंटर की शॉपिंग है जो कि अजमान में है। अगर आप लोग यहाँ शॉपिंग करना जाना चाहें, इसकी भी वॉक थ्रू वीडियोस हैं। यहाँ पे स्टोर्स में क्या क्या मिलता है, कितनी प्राइजेस की चीज़ें हैं वगैरह वगैरह, ये सब कुछ वॉक थ्रू वीडियोस में मौजूद है। काफ़ी वीडियोस हैं यूनाइटेड डिस्काउंट सेंटर की, तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर चीज़ों की प्राइजेस मैं आपको बता दूँ, 1 से 1 to 7 dirhams के अंदर अंदर, यानी 8 dirhams हो जाते हैं, 1 to 7 dirhams के अंदर अंदर प्राइस है। आप लोग देख सकते हैं मेरी वीडियोस, आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। और अभी भी जो मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाने वाली हूँ वो भी 1 to 7 के अंदर अंदर ही हैं उनकी प्राइजेस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो शॉपिंग है, टेबल क्लॉथ लिया है मैंने और ये 750 का। ओह माय गॉड, थोड़ी सी जो झाली वाला स्टाइल देखेंगे इस पे जो है ना, इस तरह वाला है, इस तरह वाला है ये देखिए नजर आना, बिल्कुल वाइट नहीं है, ये पिक्चर में वाइट है बट ये आपको नजर आ रहा होगा वाइट नहीं है, थोड़ा सा क्रीमी कलर है। लेकिन इसका जो इस पे नेट है वो इसी तरह की नेट है, ठीक है। और इसकी प्राइस है 750। और मैंने ये दो लिए, मतलब सेम नहीं है, मैं दिखाती हूँ। ये तो मुझे बहुत अच्छे लगे और इसमें डिफरेंट कलर्स भी हैं। और ये मैंने खोल के देखी हैं, और ये टेबल क्लॉथ खोल के भी देखे थे मैंने, मतलब इसको मैंने देखा है तो अच्छा साइज है। 4, मतलब रेक्टेंगुलर, बहुत ज़्यादा रेक्टेंगुलर नहीं, मतलब 4 चेयर्स, 4 पर्सन की टेबल और रेक्टेंगुलर शेप। इसकी जो मीटर्स वगैरह हैं मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं था मेरे टेबल का जो भी लेंथ हो रहा है ना, ठीक है। और इसकी प्राइस है 7 dirhams। और इस पे जो ये ब्लैक लाइंस आ रही है ना, ये ब्लैक लाइंस भी थी और ब्लैक से थोड़ी लाइट लाइंस भी थी, यही लाइंस ग्रे नहीं थी लेकिन ब्लैक थी थोड़ी सी लाइट। और इसमें कलर्स देखें आप, ओ गॉड, कलर्स तो दिखाई नहीं मैंने, ये देखिए, ग्रीन कलर, वाइट कलर, पिंक, ब्राउन जैसा कुछ शेड, और सारे इसी तरह के। वाह, बहुत प्यारे कलर्स हैं, बहुत प्यारे कलर्स हैं। नेक्स्ट चीज़ है जी, नेक्स्ट प्रोडक्ट चॉपिंग बोर्ड, 525 का ये चॉपिंग बोर्ड है, ये देखें, थिन सा है, ये रिंग लाइट भी नजर आ रही है। ये मैंने लिया है गोश्त के लिए, चिकन वगैरह, गोश्त, बीफ, कुछ भी हो, सॉसेज वगैरह, वो अलग उस पे मैं कटिंग करती हूँ, क्योंकि वो भी प्लास्टिक वाला था मेरा, तो वो जो है उसमें मैं, यहाँ पर ना इस तरह की छुरियाँ होती है जो आरी वाली स्टाइल की, तो आरी होती है ना जैसे सॉ कहेंगे उसको, यस, तो उसमें जो वेव्स होती है ना उसकी धार की, उस तरह वाली छुरियाँ भी है, तो मैं वो यूज़ कर रही थी शुरू में, तो मेरे 3-4 कटिंग बोर्ड्स फ़ौरन ही जल्दी जल्दी ख़राब होने लग गए।
उसमें जाहिर बात है आरी वाला होगा, तो उसमें कट करूँगी मतलब 3-4 ही थे सब्जियों का, तो मैं अलग ही रखती हूँ शुरू से, सब्जी और गोश्त वगैरह के लिए दोनों के लिए अलग रखने चाहिए। तो उस पे ना ऐसी लाइंस आ रही थी, वो प्लास्टिक है तो प्लास्टिक थोड़ा उभर रहा था, और फिर वो धोते हुए हाथों में चुभ भी रहा था, और उसमें पार्टिकल्स जो भी गोश्त के या वेजिटेबल्स के आप करते हैं तो वो उसमें रह जाते हैं, उनको अच्छी तरह से साफ़ करना, वो कपड़े से फिर साफ़ करें या तार से साफ़ करें, तो हाथों पे लगता था। और अगर कपड़ा यूज़ कर रहे हैं या स्पंज यूज़ कर रहे हैं तो उसका स्कॉच ब्राइट का ग्रीन वाला पार्ट, उसके जो धागे रेशमी वो उस पर रह जाते थे, उनको फिर निकालो मतलब बहुत मुश्किल हो जाती थी धोना, और क्योंकि मैं गलत छुरी इस्तेमाल कर रही थी तो मुझे पता नहीं चल रहा था। तो आप प्लेन धार वाली जो छुरी है, जो नॉर्मल छुरियाँ होती है, यहाँ पर अलग ही हिसाब है, उस तरह की छुरी आरी वाली छुरी बहुत तेज़ होती है और यहाँ पर ज़्यादातर लोग यूज़ कर चुके होंगे, करते हैं, ठीक है, यहाँ वालों को पता होगा, यूएई वालों को, ठीक है। तो ये एक मैंने ले लिया है, फिर अलग इसको मैं जो दूसरा पुराना वाला रखा है ना उसको निकाल दूंगी, मतलब लकड़ी वाला जो एक है वुडन वो वेजिटेबल्स के लिए तो है, प्लास्टिक वाला जो है वो गोश्त के लिए, मीट वगैरह के लिए, तो वो रिप्लेस होगा इससे। एंड ग्रिप टेप रिमूवेबल, ठीक है, वॉशेबल, ये लिया है मैंने डबल टेप, इजी टू यूज, सुपर पेस्ट, ओके। ये देखें ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, फ्लोर पे कारपेट को, जो कारपेट आपका उठता रहता है बार बार या पैरों में हो जाता है वहाँ पे भी लगा सकते हैं, और की होल्डर, की चेन होल्डर को भी होल्ड कर सकता है ये, फ्रेम्स भी होल्ड कर सकता है, किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छी ग्रिप है इसकी, और ये है 350 दिरहम्स ओनली। अब इसकी असल शक्ल ये रही, मैंने लाइट्स ली हैं, पीछे लगी है लाइट्स, बट ये नज़र आ रही है ना, ये तो इसमें लाइट है, अभी रोशनी में नज़र नहीं आ रही, सेल बहुत वीक हो गए हैं, पूरा जब अंधेरा हो जाता है ना रूम में तो बिल्कुल मामूली सी लाइट जल रही होती है, तो इसलिए मैंने सेल चेंज करने थे तो ये मैंने लिए हैं, ठीक है, AA4, और ये हैं 375 कोडक के हैं ये, नाइस, अच्छा ब्रांड। नेक्स्ट जो चीज़ है, अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्यों लिया है, बॉल, टेनिस बॉल का सेट, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने एक हैक देखा था, टिकटॉक पे देख लें आप, यूट्यूब पे देख लें, वॉशिंग हैक, ठीक है, उसमें क्या होता है, वॉशिंग बॉल्स होती हैं इसी तरह की, बट वाइट में या क्रीम कलर में, जब आप अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डालें तो आप ये बॉल्स डाल दें, 3-4, या आपकी वॉशिंग मशीन पड़ी है तो 4-5 डाल दें, मैंने ये ली है 3, एक पैकेट ही लिया है, और इसकी प्राइस है, मैं आपको पहले प्राइस बता देती हूँ, 525। तो कपड़े धोते हुए साथ ही आप ये बॉल्स डाल दें, साथ ही धुलेगी, और बॉल्स जो है इससे ये होगा आपके कपड़ों पे बॉल्स, सारी बातें मशीन घूम रही होती है तो एक दूसरे से टकराएंगी तो कपड़े ज़्यादा अच्छी तरह से धुलेंगे, या ये उन लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ जिनकी वॉशिंग मशीन प्लास्टिक वाली इंटीरियर होती है, अंदर का जो प्लास्टिक का होता है, बाहर का स्टील होता है, स्टील में कपड़े कदरे बेहतर धुलते हैं प्लास्टिक की नस्बत, तो अगर वो लोग ये सर्फ उनका ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है या उनको लगता है कि हाँ थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है प्लास्टिक की वजह से, तो भी वो ये यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ करें और देखें कि कपड़े कैसे धुलते हैं, मैं भी पहली दफ़ा ट्राई करूँगी, लेकिन मेरी तो वॉशिंग मशीन फ्रंट डोर है, फ्रंट डोर में भी यूज़ कर सकते हैं, टॉप लोड में भी उसका कोई फ़र्क नहीं है, इशू नहीं है, और मेरी वॉशिंग मशीन का जो इंटीरियर है वो स्टील है, लेकिन मुझे फिर भी बेडशीट्स वगैरह, टॉवल्स वगैरह, स्पेशली टॉवल्स वगैरह जब वॉश करने हो तो फिर मैं ये यूज़ करूँगी। एक ये वॉलेट, ओह माय गॉड, इतना अच्छा लगा ना मुझे ये लाइट वेट, एक तो ये भारी नहीं है, ठीक है, बाज़ वॉलेट भारी भी होते हैं, और इतना कोई सॉफ्ट है, मक्खन, उफ, देखिए इसकी एक सेक्शन, 2, 3, 4, सिप,
और इसको निकालती हूँ मैं। और यस, यहाँ पर ये छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं, दोनों तरफ हैं ये पॉकेट्स, ठीक है, ये वाले। तो ये एक, इसकी प्राइस 7, जिनकी प्राइस नहीं होती उनकी तो वो 750 कर देते हैं, तो आई थिंक ये 750 का है क्योंकि इस पर कोई स्टिकर वगैरह नहीं लगा था। और ये डिफरेंट कलर्स में था, वॉक थ्रू वीडियोस में आप देख सकते हैं, पिंक पिंक के डिफरेंट शेड्स थे, वाइट, रेड, मरून और ये वाला कलर था, ब्लैक में भी था मेरे ख्याल से, तो मुझे ये अच्छा लगा। दो बहुत ही प्यारी सी चीज़, दिखने में बहुत 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 प्यारी चीज़ है, ये देखें। ये दो मैं वन बाय वन दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखें, ठीक है। इस पे ये टिकट्स प्रिंट हुए हुए हैं और इसकी प्राइस है 550 ईच, 550 ईच। और ये इसका कैप है, अच्छा खासा ये बड़ा है बॉक्स, और ये मैंने लिया है, ये आपको दिख रहा है ना, ये फॉर कॉइन जमा करने के लिए लिया है, और जैसे कि ये सिक्के के पैसे मैं डालती हूँ जब भी घर से निकलते हैं, तो इसमें सिक्का कुछ ना कुछ डाल के ही निकलते हैं, तो इसको कहीं ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ डोर के पास हैंगिंग शेल्व्स होते हैं वहाँ आपने रख दिया, की होल्डर जहाँ होता है वहाँ हैंगिंग शेल्व्स होते हैं वहाँ आपने रख दिया, ठीक है। तो ये इसलिए लिया है मैंने, और जाते जाते सिक्का वगैरह डालते जाएँ, कॉइन डालते जाएँ, जमा हो जाएंगे जब, तो आप इसको किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, चेंज करा के दे दें या वैसे ही दे दें, सदका है, ठीक है, आदत बनेगी, अच्छी बात है। ओ माय गॉड, इसके जो ये ना टिकट्स इतने कोई खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो ये हो गया एक, ये यहाँ पर अलग पर, ये तीन प्रिंट्स में था, पुराना ब्रिटिश पेंटिंग, ब्रिटिश स्टाइल पेंटिंग होती है ना वो वाली पेंटिंग भी बनी थी, बट मुझे दो लेने थे तो मैंने दो लिए, एक सिक्के का कॉइन बना दूंगी मैं, या आपको, आप इसको डिफरेंट तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, मनी बॉक्स के तौर पे पैसे जमा करने हो आपको, ये टेलीफोन बूथ वाला है, ये देखिए इसकी प्राइस। तो इसमें आप वैसे ही पैसे जमा करने के शौकीन हो तो दुबई में तो ये हर स्टोर में, हर गिफ्ट शॉप में, हर जगह मिलता है, और डिफरेंट डिज़ाइन्स के मिलते हैं, ऐसे वाले भी मिलते हैं जो मैं आपको पहले से पहले दिखा चुकी होंगी, ले भी चुकी हूँ मैं। ASMR में जाएंगे तो मैंने वहाँ पर कॉइन बॉक्स खोलते हुए भी वीडियो की है, उस कॉइन बॉक्स को, मनी बॉक्स को काटना पड़ता था क्योंकि एक बार पैसे चले गए तो निकल नहीं सकते, ठीक है। सदके में तो हमें खुद आइडिया होगा और हमारा हाथ भी रुकेगा कि चलो पैसे सदके के हैं तो उसको हम वापस नहीं निकाल सकते, लेकिन जो पैसे जमा करेंगे उसमें ये होगा कि आप इसको खोल के निकाल सकते हैं, तो अब ये मुझे लग रहा है कि इसको मैं किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लूँ, और पैसे जमा जो करने वाले हैं उसके लिए मैं कोई ऐसा वाला लूँ जिस जिस जिसके लिए ना लिड ना हो। देखते हैं अब इसको मैं किस चीज़ के लिए यूज़ करूँगी, कुछ मेकअप का कुछ डाल दें, कुछ पोनीज वगैरह डाल सकते हैं, मेकअप ब्रशेस वगैरह, पेंट ब्रशेस, कोई पैकेट वाली चीज़ डाल सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों के रूम में रख सकते हैं, स्वीट्स वगैरह डाल के रख सकते हैं, चॉकलेट पैकेट वाली चीज़ें, ठीक है, वो आप डाल सकते हैं इसमें, या कॉफ़ी स्टेशन अगर आप लोगों के घर में है या अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें पैकेट वाली कॉफ़ीज़ होती हैं जो पैकेट में होती है ना, वो छोटी भी और या जिस जिस भी तरह की आप यूज़ करना चाहें वो, या चीनी रख सकते हैं स्टीविया पैकेट वाली चीनी, या पत्ती वो भी टी बैग्स, क्योंकि यहाँ से खुला है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं रख सकते जो जिसमें नमी आ जाए, ठीक है। तो डिफरेंट तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इसको, मैं भी सोचती हूँ मैं मुझे किस तरह से इसको यूज़ करना है, अब मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़ें, ये दोनों स्पेशली 695।
देख रहे हैं 695, और ये लाइट्स हैं जो पीछे लाइट्स लगी है ना, ये लाइट्स हैं, इनको मैं चेंज नहीं करूँगी, ये लाइट्स मैंने कहीं और यूज़ करनी है। इनको बताती हूँ आपको मैंने कहाँ यूज़ करनी है। इसको मैंने किचन में यूज़ करनी है, किचन में कैबिनेट्स होते हैं ना, तो कैबिनेट्स के ऊपर बिल्कुल, जैसे ये कैबिनेट है, ये कैबिनेट है, इसमें डोर्स हैं, और इधर भी कैबिनेट है, बांस के इधर भी होता है जो भी, तो कैबिनेट्स के ऊपर ऐसे सजा दूंगी। ठीक है, इस तरह से हो गई। फिर उसके लिए इसमें सेल जाएंगे, बाय द वे 1 2 3। अच्छा, मैंने सेल्स लिए हैं, लेकिन मैंने 3 लिए हैं, मुझे वो भी चेंज करने हैं, उनके सेल भी, तो सेल कम हो गए। ओ माय गॉड, मुझे फिर जाना पड़ेगा सेल लेने, बैटरीज वगैरह के लिए। खैर, चली जाऊंगी, वो तो मैं पास में ही है। और इसके साथ ही कुछ और भी, जैसे फूलों की लड़ियाँ होती है प्लास्टिक की, या लीव्स होते हैं प्लास्टिक लीव्स, उनकी लड़ियाँ होती है, फेक प्लांट्स, या वेजिटेबल्स की जो बेलें होती हैं, तो उसके साथ इसको रोल करके, मिक्स करके, या एक एक लेयर उसकी और एक लेयर फिर लाइट्स की लगा के आप डेकोरेट कर सकते हैं अपना किचन भी। किचन को भी डेकोरेट करना चाहिए, वॉशरूम को भी थोड़ा बहुत कुछ करते रहना चाहिए, मतलब कुछ फ्रेम लगा दिया, कैंडल रख ली, कुछ इस तरह का। ठीक है, तो मैंने ये सोचा है किचन के लिए। और अब हमारी जो आखिरी चीज़ है, जो मैंने आपको सबसे पहले दिखा दी थी, ये बैग, ये भी 8 drams का, यानी 750 या 795 इस तरह की कोई प्राइस है, क्योंकि इसके ऊपर भी प्राइस टैग नहीं लिखा हुआ था, इस वजह से आप आंखें बंद करके ले सकते हैं, क्योंकि 8 drams से ज़्यादा नहीं होगी प्राइस। ठीक है, ये देखिए, ये प्यारी सी गुड़िया बनी है इस पे, और इसका ये एक पॉकेट है। बैकपैक एक होना चाहिए, मेरे पास बैकपैक था, ग्रे कलर में था, और इसका एक ये वाला पोर्शन है, और एक ये सादा सा। ठीक है, दो जिप्स वगैरह कुछ इस तरह का नहीं है, और ये देखें इसकी बेल्स, तो अच्छा है ये, अच्छा, मटेरियल, इसकी सिलाइयाँ सब ठीक है। मेरे पास था ग्रे कलर का, वो ख़राब हो चुका है बैग, उस पर, क्योंकि वो बेसिक एक प्लेन कलर का था, और उस पर उसके अंदर रखा था वैसलीन। ठीक है, वैसलीन रखा था, और वो गाड़ी में रह गया था बैग, और डिग्गी में पड़ा था। यहाँ पे इतनी गर्मी होती है, गाड़ी भी गर्म हो गई, बैग भी गर्म हो गया, डिग्गी में पड़ा था, और उसमें जो वैसलीन थी वो भी गर्म हो गई, क्योंकि यूज्ड वैसलीन थी और सील पैक नहीं थी, तो एक उसमें रखी थी, रह गई थी, चीज़ें वगैरह थी ना बैग में, तो उसमें वो साथ ही ना गर्मी से पिघल गई, और पिघल के फैल गई पूरी इस एरिया में, पूरी फैल गई, और उसका जो ऑयल था, चिकनाहट, वो सारी फैल के बैग पे अलग अजीब सा निशान कुछ बन गया था, तो वो तो नहीं निकल रहा निशान, तेल का निशान है, जाहिर बात है जेल है पेट्रोलियम, तो इसलिए मुझे चेंज करना था ये बैग। और कहीं जाते हैं पिकनिक वगैरह पे, या आउटडोर कहीं भी, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जो आप छोटे से बैग में, जो मैं लेती हूँ साइड क्रॉस बॉडी बैग, उस तरह के बैग्स में नहीं फिट हो सकती हैं चीज़ें, तो ये एक बैग प्यारा सा ले लिया है मैंने। आज की शॉपिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा कमेंट में, और आई होप आप लोगों ने वो वीडियो पूरी एंड तक देखी होगी। चैनल सब्सक्राइब करते हैं मेरी वीडियो पे आने के लिए, थैंक यू सो मच। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जो नए हैं, पहली दफ़ा इस चैनल पे आए हैं, वीडियो पे क्लिक किया है, वीडियो देखी है, उनका भी बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप लोग वीडियो लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं, और आप लोगों ने मेरी और वीडियोज़ देखी हैं कि नहीं, कौन सा, अगर आपने देखी हैं तो आपको कौन सा फोल्डर ज़्यादा बेहतर लगता है वीडियोस के देखने के तौर पे, तो वो आप भी कमेंट में बता सकते हैं। अपने अपने प्यारों का सबका ख्याल रखिएगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।